Alright, so next lesson चलते हैं आज हम लोग कर रहे हैं NEET 2020 और start किया हमने 11th के साथ, so 11th का first unit जो है that is हम लोग कर रहे हैं some basic concepts of chemistry और last वाले unit जो last वाला मैंने lecture डाला था उसमें हम लोगों ने measurements in chemistry जो था that is SI units क्या होते हैं, fundamental units क्या होते हैं, derived units क्या होते हैं, ये सारा हम लोगों ने उसमें discuss करा था. ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या है नीट में, नीट 2020 वी आर गोइंग टू डू टुडे सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो लेट्स गो ऑन टू आवर टुडेस टॉपिक. नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स से पहले मैं आपको जैसे हम लोगों ने करा था कि हम जो यूनिट्स हैं उसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आज मैं आपको थोड़े से कुछ ऐसे जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं जिनको आपको इंटर कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ती है टाइम एंड गेन इन केमिस्ट्री कैलकुलेशंस, पहले मैं उनके बारे में बताऊंगी और फिर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, सो आज हम क्या बोलने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशंस जिसमें हम इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स या कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को हम किस तरह से करते हैं उसे हम स्टडी करेंगे. ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी अगर हमें इंफॉर्मेशन जो है चाहिए, सो लेट्स राइट डाउन ओवर हियर, अगर हमें इंफॉर्मेशन सॉर्ट चाहिए कि हमें सपोज कोई भी कन्वर्जन करनी है तो उस कन्वर्जन के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसे हम कैलकुलेट करते हैं बाय इंफॉर्मेशन गिवन इनटू कन्वर्जन फैक्टर. ठीक है, सो आई विल टेल यू कि कन्वर्जन फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पर उससे पहले थोड़ी सी वैल्यूज हम लोग कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ वैल्यूज जो है वो पता होनी चाहिए, जैसे हमारे पास आ गया माइल. अब जो 1 माइल होता है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1.6 किलोमीटर्स. ठीक है, इट इज 1.6 किलोमीटर्स. उसी तरह से आपको पता होना चाहिए 1 कैलोरी क्या हो गया, 1 कैलोरी इज 4.184 जूल्स. ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी 4.184 जूल्स. फिर हमारे पास आ जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट which is 1.602 into 10 raised to power minus 19 joules, 1 electron volt, that is going to be 1.602. ये एक important conversion factor है जो आपका use होता है. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है 1 amu. This also we will use in this chapter only, 1 atomic mass unit. 1 atomic mass unit that is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 27 kgs. ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 1 joule क्या होता है, 1 joule that is equal to 10 raised to power 7 ohms. This is going to be the value of 1 joule. फिर आपको पता होना चाहिए कि 1 electrostatic unit ESU, 1 electrostatic unit that is equal to 3.34 into 10 raised to power minus 10 coulombs. ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए 1 dyne that is equal to 10 raised to power minus 5 newtons. 1 dyne that is equal to 10 raised to power minus 5 newtons. 1 atmosphere is equal to 1 into 10 raised to power 5 pascals. ये वाला जो यूनिट है दिस इज वेरी कॉमनली यूज्ड, जब आप आगे स्टेट्स ऑफ मैटर वगैरह के न्यूमेरिकल्स करेंगे वहां पे ये बहुत कॉमनली यूज होता है. उसी तरह से 1 लीटर एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 101.3 जूल्स. सो ये अनदर इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर है जो कि आपका यूज होता है, 1 लीटर एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 101.3 joules. ठीक है, now you also know कि 1 mole of gas that is equal to 22.4 liters at STP. 1 mole of gas is going to be equal to 22.4 liters at STP. ठीक है, और फिर
उसके बाद one mole of a substance will be equal to what? One mole, we've already done this, is equal to the Avogadro's number, which is 6.02 into 10 raised to the power minus 23. So these are the conversions which you require. अब questions आपको इस विषय किस तरह से आ सकते हैं? Questions हमको कैसे आते हैं? जैसे आपको questions हम लोग कर रहे हैं, direct questions आपको नहीं आएंगे, but आपको कहीं ना कहीं numericals में in conversion of units की जरूरत पड़ सकती है. तो questions में हम लोग जैसे कर रहे हैं, convert 5 calories into joules. Convert 5 calories into joules. So 5 calories को joule में convert करने के लिए हमें पहले conversion factor देखना पड़ेगा. So वो हमने already किया. 1 calorie that is equal to 1.48 joules. अब यहाँ पे हमको unit factor निकालना है. So unit factor का मतलब क्या हुआ? 1 will be equal to what? 4.18 joules upon 1 calorie. ये एक हमारा क्या निकल गया, this is going to be the unit factor. तो अब information sought क्या होती है? Information sought that is going to be information given into the unit factor. ठीक है? So information given हमें कितना है? 5 calories. So हमारे पास conversion क्या आ गया? 4.18 joules upon 1 calorie into 5 calories. ठीक है, so calories और calories they get cancelled और वापस क्या आ जाएगा 4.18 into 5 which is equal to 20.90 joules. Okay, so this is how you can convert. Let's take another one. We are taking another question over here. हम दे रहे हैं, that is convert 15 liter atmosphere into ergs. So our question is convert 15 liter atmosphere into ergs. ठीक है, अब unit factor हमको देखना पड़ेगा. We know that 1 liter atmosphere that is equal to 1.01 into 10 raised to power 9 ergs. ठीक है, so unit factor क्या हो गया हमारे पास? Unit factor that is going to be equal to 1 is equal to, this can be taken as 1 into 10 raised to power 9 ergs upon 1 liter atmosphere. ठीक है, अब हमारे को information given क्या है? 50. So information sought will be unit factor into information given. So ये आ जाएगा into 50. ठीक है, so when you calculate this, or this is going to be in liter atmosphere इन दोनों को हम cancel कर देते हैं, तो हमारे पास जो value आ जाएगी that is going to be 15 into 10 raised to power 9 ergs, right? So this is how the conversions they can be carried out. Now next what we want to do today is significant figures kya hote hain. So let's go on to significant figures. Alright, so let's go to significant figures. Now you know ki chemistry mein hum log measurements karte hain. ठीक है, so जितनी भी measurements होती है, they may not be accurate, right? So अगर हमको indicate करना है precision of a measurement, right? तो उसके लिए scientists use करते हैं ये term जिसे हम बुलाते हैं significant figures. तो significant figures होते क्या है? Significant figures जो होंगे, they are going to be all the certain digits, एक किसी भी number में, जितने भी certain digits हुए and at least one doubtful digit. ठीक है, उसे हम significant figures बुलाते हैं. जैसे for example अगर आप 12 pencils दे रहे हो, तो 12 pencils में आपके पास infinite number of significant figures होंगे, because 12 pencils में everything is going to be certain. There cannot be, we cannot take 12 and a half pencils, or we cannot take 12 and a half eggs.
Clear? So that is going to be what? That is going to be infinite number of significant figures. अब किसी भी एक नंबर में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ नंबर आर ऑल सर्टेन प्लस एटलीस्ट One doubtful digit. So, उसे हम क्या बुलाते हैं significant figures. Now, what are going to be the rules to calculate significant figures? ठीक है? So, let's see क्या rules हैं. First rule says that all non-zero numbers are significant. ठीक है? So जितने भी non-zero numbers होते हैं, एक या digits होते हैं, एक किसी भी number में, वो सब significant होते हैं. जैसे for example, अगर हम लोग ले रहे हैं 4.325, तो इसके पास significant figures कितने आ जाएंगे? 1, 2, 3, 4 significant figures in this case that is going to be equal to 4. Let's take another example. हमने ले लिया 2.32. So, all non-zero digits are going to be significant. 1, 2, 3 significant figures इसमें कितने आ गए? That is going to be equal to 3. ठीक है? फिर उसके बाद second हमारे पास rule क्या आता है? All zeros in between non-zeros are significant. So all zeros in between non-zeros, they are going to be significant. Right? Just for example, we are taking 2.02. So 2.02 means number of significant figures that is going to be equal to 3. क्यों? क्योंकि 0 जो है वो non-zeros के बीच में आ रहा है. ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास आ गया 4.005. So how many significant figures are going to be there? There are going to be 4 significant figures. Clear? So all non-zeros in between, all zeros in between non-zeros, they are going to be significant. Third rule हमारे पास आ जाता है, all zeros before non-zeros, all zeros before non-zeros are significant. ठीक है? So जितने भी zeros before non-zeros आएंगे, they are going to be significant. जैसे, for example, we are taking 0.004. So इसके पास are non-significant. I'm sorry, all zeros before non-zeros, they are going to be non-significant. ठीक है? जैसे हमने ले लिया 0.004. So इसमें significant figures कितने आ जाएंगे? ये दोनों zeros जो हैं, ये non-significant हो गए. तो significant figures आ गया हमारे पास 1. Right? और फिर taking 0.02. Then the significant figures in this case, that is going to be again only 1. I hope it is clear. So all zeros before non-zeros, they are going to be non-significant. Let's go on to the fourth rule. Fourth rule क्या बोलता है? कि all zeros after non-zeros are significant. So we are saying that all zeros after all zeros after non-zeros they are going to be significant. ठीक है?
जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, लेट्स से वी आर टेकिंग 0.200. सो यहाँ पे जीरो से आर कमिंग आफ्टर अ नॉन जीरो, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3, राइट. उसी तरह से अगर हम लोग ले रहे हैं 0.420, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस केस ऑल्सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1, 2, and 3. क्लियर. सो दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. ऑल्सो रिमेंबर कि अगर हमको पावर्स दे रखे हैं, सो पावर्स में जो पावर्स 10 के होते हैं दे आर गोइंग टू बी नॉन सिग्निफिकेंट. सो लेट्स टेक एग्जाम्पल्स ओवर हियर. सो वी टेकिंग एग्जाम्पल्स लाइक अगर आप ले रहे हो 6.02 × 10⁻²³. सो इन दिस केस जो हम पावर्स लेते हैं दैट इज गोइंग टू बी नॉन सिग्निफिकेंट. सो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3. क्लियर. ऑल्सो इफ यू टेकिंग, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, 5.20 × 10⁻⁶. 5.20 × 10⁻⁶. So हमारे कितने आ गए, we have 3 digits over here, right? So 3 digits का मतलब क्या हुआ, the significant figures in this case that is again going to be equal to 3, because powers जो है उनको हम consider नहीं करते हैं as significant figures. Clear? Also अगर हमारे पास commodities साथ में दे रखी हैं, जैसे for example we have 10 chairs or we have 6 pens or we have 14 let's say pencils. So in all these 3 cases 10, 6, 14 सबके साथ आप देख रहे हो कि commodity लगी है, they are going to have infinite number of significant figures. ठीक है, so they will have infinite number of significant figures. So this is about significant figures. अब significant figures की हम लोग calculations कैसे करते हैं, उसमें कौन से rules जो है वो use होते हैं, that we are going to do in our next topic. So our next topic is calculations involving significant figures, right? Now calculations involving significant figures में हम लोग दो mathematical operators जो हैं उनको use करते हैं, और दोनों के लिए जो rules हम use करते हैं they are going to be different. So सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं addition and subtraction. Addition and subtraction में we will see कि rules they are going to be same. ठीक है, so addition और subtraction में rules they are going to be same. So let's take over here कि रूल वन हमें क्या बोलता है कि जब भी हम लोग रिजल्ट लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, ठीक है, सो उसमें जो आंसर हम रिपोर्ट करेंगे दैट शुड बी रिपोर्टेड टू द लोएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, राइट. सो लेट्स टेक ओवर हियर, जैसे हमने ले लिया 4.652 + 3.2, राइट. Now over here you can see कि decimal के बाद there are 3 places or there are 3 digits after the decimal, and over here there is only 1 digit after the decimal. ठीक है, so अगर 1 digit after the decimal है तो हमें जो answer report करना है that is going to be according to the least number of digits after the decimal. So हम add करते हैं इसको, our answer is coming as 7.852. So आपको कहां तक आंसर रिपोर्ट करना है, यू हैव टू रिपोर्ट
put the answer to 1 decibel place. So, aapke paas answer kya aajayega? 7.8. And how many significant figures are present in the answer? That is going to be 2. Right? So, this is how hum log mathematical operation karte hai, addition and subtraction ka. If you need to take another example, ek aur example le lete hain. Hum le rahe hain 3.46, 2.723. Right? So, ye humne again, we are adding over here. You can see ki yahan pe there are 2 digits after the decimal. So, answer will have to be reported up to 2 digits after the decimal. Theek hai? So, let's see, humare paas aa gaya ye 3, 8, 11, 6. Ye answer aa gaya. Right? Aur humko kahan tak report karna hai? Up to 2 decimal places. So, aap answer report karoge 6.18. Aur ispe significant figures kitne honge? Significant figures they are going to be 3. ठीक है, is it clear? Okay. फिर उसके बाद हम चलते हैं multiplication और division. Let's go on to multiplication and division. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे चलते हैं. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग आंसर रिपोर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, सो लेट मी टेक वन वेरी सिंपल एग्जांपल ओवर हियर. वी आर टेकिंग 4.623 इनटू 0.2. सो यू कैन सी दैट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस केस इज 1 2 3 4 एंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस केस इज ओनली 1. राइट, सो आपको जो आंसर रिपोर्ट करना है, और लेट्स से 23 ले लेते हैं, जो आपको आंसर रिपोर्ट करना है, दैट यू हैव टू रिपोर्ट इट अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस. Right? So we have over here 1.06. Answer aapka aa raha hai 1.0629. Now over here you can see that there are 2 significant figures. So aap jab answer karoge, round off isko kar dete, you have to report the answer up to only 2 significant figures. That is going to be 1.1. Okay? So this is the same rule will also be followed for division. So, आज के लिए हम लोग significant figures ही करेंगे. Next के लिए, we are going to start with the main topic of this chapter, that is laws of chemical combination. Okay? So, मैं इसके एक playlist जो है, बना रही हूँ class 11 की अलग, NEET के लिए और class 12 की अलग. So, I hope you will enjoy the entire series.